com, मैं हूं आपके साथ दीक्षा भारप्रिया। अमेरिका ईरान में बड़ा विवाद, कई देशों ने बंद की हवाई सेवा। सुरक्षा को देखते हुए उठाया गया है ये कदम। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर दुनिया भर पर नजर आने लगा है। इस तनाव से भारत भी अछूता नहीं रहा। दोनों देशों के बीच चल रही तकरार के बीच भारतीय हवाई यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट और मुंबई के बीच उड़ानें रद्द कर दी हैं, क्योंकि अमेरिका से मुंबई के लिए विमान ईरान के हवाई क्षेत्र होकर आते हैं। अमेरिकी एयरलाइंस का कहना है कि ईरान द्वारा ड्रोन को मार गिराने के बाद सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। हालांकि ये नहीं बताया गया कि उड़ानें कब तक बंद रहेंगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान द्वारा अमेरिकी ड्रोन गिराने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दे डाली है। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ट्रंप की इस कम अक्षरों वाली चेतावनी को बड़ी कार्रवाई का इशारा माना जा रहा है। इस तनाव के बीच दोनों देशों में युद्ध के संकेत नजर आ रहे हैं। इधर यूनाइटेड एयरलाइंस के प्रवक्ता का कहना है कि मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाले यात्रियों को अमेरिका की वैकल्पिक उड़ानों के जरिए भेजा जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि हम संबंधित अधिकारियों से संपर्क करेंगे और सभी विकल्पों पर विचार करेंगे, ताकि अपने ग्राहकों को इन परिस्थितियों में सबसे कुशल यात्रा का अनुभव प्रदान कर सकें। वहीं दो विमानन कंपनियों अमेरिकन एयरलाइंस और डेल्टा एयरलाइंस ने कहा कि वो ईरान के हवाई क्षेत्र से होकर नहीं गुजरेंगी। जापानी एयरलाइंस जापान एयरलाइंस को लिमिटेड और ANA होल्डिंग INC का भी कहना है कि वो ईरान के ऊपर से उड़ान नहीं भरेगा। इधर ईरान के सशस्त्र बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड का कहना है कि उसने हरमुज जल संधि के पास अपने हवाई क्षेत्र में एक अमेरिकी जासूसी विमान को मार गिराया है। इस शक्तिशाली ड्रोन की कीमत 1260 करोड़ रुपए है। ईरानी सेना के कमांडर हुसैन सलामी ने दावा किया था कि अमेरिकी ड्रोन ईरान की हवाई सीमा की रेड लाइन पार कर चुका था। गिराए गए अमेरिकी ड्रोन टाइटन ने U-2 जासूस विमान की जगह ली है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन गिराए जाने को लेकर ईरान को खुली चेतावनी दे दी है। बहरहाल इन चेतावनियों के बीच असर भारत पर भी पड़ा है और कई हवाई यात्राओं पर इसका असर देखा जा रहा है, जिससे यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।